मारे लो कचा कभी देखते हैं बहुत सारी लड़कियां आपका रिएक्ट करती है, गर्लफ्रेंड है कि नहीं? अरे गर्लफ्रेंड है। यूट्यूब पर आने से पहले आप क्या कर देते हैं? कुछ लोग सोचते हैं आप म्यूजिक लगाते हैं, कॉपीराइट आ जाता है, ये सब, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बालों पर अपना उनका नाम लिखे हुए हैं, लगता है भाई का सबसे बड़ा फैन है। बताइए भाई, यूट्यूब से आप कितना पैसा कमा लेते होंगे? यार वो तो वही। नमस्कार, मैं हूँ आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य सीरीज। जैसे कि हमारे साथ देख सकते हैं, ये चेहरा जाना पहचाना है और ये भाई का नाम है पंकु रबाट, जो कि पब्लिक प्रैंक बनाते हैं, पब्लिक में घूम घूम कर प्रैंक बनाते हैं और बहुत ही अच्छा इंटरटेनमेंट देते हैं। तो भाई सबसे पहले स्वागत है आपको चैनल पर। थैंक यू यार, थैंक यू। वैसे आप रहते कहाँ हैं? आपको मैं रहता हूँ उत्तराखंड में। उत्तराखंड में? उत्तराखंड में। आप अभी बिहार पटना में आए हैं, आपको आकर कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा पटना में। अभी मैंने बहुत चीज़ें देखी नहीं पटना में, अभी मैं चाहूँगा देखूँ। अभी एक दो दिन जब बाद में आएंगे हम लोग तब पूरा एक्सप्लोर करेंगे। और अच्छा, यूट्यूब पर आने से पहले आप क्या कर देते हैं? यूट्यूब से आने से पहले यार मैं सही बताऊँ तो मैं जॉब करता था एक जगह। जॉब तो आप लोगों की तरह हूँगा मैं, एक बार टेंडर था, मतलब बार में जो नहीं करते हैं बोटल वोटल। तो भाई मैंने ऐसे ऐसे दिन देखे ना, अब मैं क्या बताऊँ, मतलब वो कभी टाइम मिलेगा तो। मतलब यूट्यूब के आने के बाद मतलब जॉब छोड़ दी अपना? मैंने जॉब करता था लेकिन ऐसा था कि यार कब तक करूंगा ना, उसका कुछ करना था। अच्छा। गाली वाली खाते थे, सब लोग गाली देते थे, मतलब क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है वाली बातें। लेकिन तभी सुनना किसी का नहीं भाई लोग, सुनना किसी का नहीं, अपनी करो क्योंकि तुम ही आगे बढ़ोगे। वो जो पीछे बोल रहे हैं ना, वो खाली तुमसे मिलने आएंगे, जैसे अभी आ रहे हैं ना ऐसे मिलने आएंगे, क्योंकि बोलने वाले कितना बोल लेंगे भाई, तुम्हारे अंदर जो है तुम दिखाओ, तुम आगे बढ़ोगे। पीछे अब तो मुझे गालियाँ, इतनी गंदी गंदी गालियाँ आती ना, मैं कुछ देखता ही नहीं, क्योंकि 100 प्यार करने वाले एक गाली देने वाला बहुत होता है। चेक करें, ये मोटिवेशन लेके चलो। भाई का वीडियो देखने से लगता है सब जरा सबसे हटके वीडियो है और काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलता है वीडियो पर, उसके लिए पब्लिक को आप क्या कहना चाहते हैं? पब्लिक को ये कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार पटना से। इतना प्यार मैंने सोचा नहीं था मिलेगा, बट बहुत बहुत शुक्रिया यार। पटना वाली पब्लिक, गर्दा उड़ा दे बालू। सिस्टम है भाई का? हाँ सिस्टम है। अच्छा, देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज्यादा इनके लिए, अपना पंकु आर्मी। हाँ, पंकु आर्मी है ये सब, पंकु आर्मी है। यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज्यादा इनसे मिलने के लिए, इनका होटल के सामने भीड़ लगाया हुआ है, देख सकते हैं जितना ये सब इन्हीं का फैन है। और अच्छा भाई ये बताइए, इतना पब्लिक में बनाते हैं, आपका वीडियो देखे हैं, बहुत सारी लड़कियाँ आपका रिएक्ट करती है, गर्लफ्रेंड है कि नहीं? अरे गर्लफ्रेंड है। देखो यार, ये चीज़ करनी है तो इसको पहले साइड छोड़ो, फिर करो, क्योंकि तुम्हें पता है फिर क्या होता है गर्लफ्रेंड होने से ना। तो गर्लफ्रेंड बाद में बनाओ आराम से, गर्लफ्रेंड मत बनाओ, डायरेक्ट शादी करो साला। अच्छा। गर्लफ्रेंड बनानी ही नहीं है। अच्छा। किसी को ना धोखा करो ना धोखा खाओ, सीधे शादी करो लास्ट में, जब सक्सेस हो जाओ ना, मतलब उससे पहले अपने काम में ध्यान दो बस। गर्लफ्रेंड हमने कुछ नहीं बनानी भाई, ठीक है? बहुत सारे आप जैसे क्रिएटर है जो कि आपके जैसा बनना चाहते हैं, तो बहुत लोग सोचते हैं आप म्यूजिक लगाते हैं, कॉपीराइट आ जाता है, ये सब, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कॉपीराइट के बारे में यही है कि बात रहती है, कॉपीराइट सिस्टम नहीं होता। कॉपीराइट फ्री सॉन्ग लगाते हैं हम लोग, और जो कॉपीराइट होता है उसमें रेवेन्यू शेयर होता है, जिसमें हाफ गाने वाले को जाएगा और बाकी क्रेडिट हमारा है, हम लोग करते हैं तो हाफ हमारे पास जाता है, ऐसे ऐसे। अच्छा, आप मेरे दर्शकों को बता दीजिए एक यूट्यूबर क्या कर सकता है? अब ऐसे ही बताऊं तो पूरे इंडिया में सब यूट्यूबर ही बन रहे हैं, हर घर में एक। मैंने देखा है। यहाँ पर आप हर घर में यूट्यूबर है, यहाँ पर देखा प्रशासन से ज्यादा आपसे मिलने के लिए भीड़ लगाए, प्रशासन भी आपको देखने के लिए खड़ा था और सोच रहा था आखिर अरे कौन आ गया यहाँ पर। बस यार प्यार है आप लोग यार, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो कहता हूँ भाई मैंने खाली तुम्हें हंसाया, प्यार तुमने दिया भाई, और मैं लास्ट तक वही करते रहूंगा, आप लोगों को हंसाऊंगा, बस ऐसी प्यार बनाए रखना, कभी अपने भाई को मत छोड़ना और ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ठीक है? ऐसे ही आप पब्लिक को इंटरटेनमेंट करते रहूंगा। कोई भी मेरी वीडियो देख के बोला है बहुत लोगों ने, मुझे पता नहीं कि अगर कोई दुखी होता है तो खुश हो जाता है, मुझे पता नहीं आप लोग ऐसा लगता है, खुश होते हो? वो ही खुश कर दिया मैंने, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए प्यार, और जो तुमने दे दिया भाई प्यार मुझे चाहिए। कैसा हूँ भाई? मैं चाहता हूँ मेरे दर्शकों को आप जैसे वीडियो बनाते हैं तनखा दर्शकों को आप दिखा दीजिए। क्या दिखाऊँ भाई, जो रिएक्ट करके जो दिखाते हैं? अब मेरे को याद ही नहीं आ रहा है भाई। आप गाने गाइए, गाना पब्लिक गाएगा, आप वो डांस कर दिया इसके ऊपर, चल कमरिया साचो। इनका भाई का फ्रेंड था यहाँ पर आप आ जाइए, नहीं यहाँ पर थे, यहाँ पर इधर तनका दिखा दीजिए। ये भाई का सबसे ज्यादा बड़ा फैन है, देख सकते हैं यहाँ पर बालों पर
बालों पर अपना उनका नाम लिखे हुए हैं, लगता है भाई का सबसे बड़ा फैन है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत दिनों से देख रहे हैं इनका शॉर्ट वीडियो, हम पहले देखे थे, उसके बाद अब लॉन्ग वीडियो अपने ब्लॉग डालते भैया, तो डेली ब्लॉग देखते हैं इनका, तो परसों देखे थे तो हम सोचे कि कल ही आ जाते, लेकिन हम नहीं आए। सोचे कहाँ से आप आए भाई? हम यहाँ बाढ़ से आए, यहाँ से 55-60 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो ट्रेन भी मिस हो जाता तो मिल नहीं पाते, लेकिन ट्रेन पकड़ा गया सही टाइम पे, तो हम आ गए भैया से मिलने। कोई नहीं, यहाँ बाढ़ आ जाते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं सब बहुत दूर दूर से आए हैं, एक उससे पूछे तो बोल रहा है कभी यहाँ पे झारखंड से आए हुए हैं, जो कि ब्लॉगर है, कोलकाता से भी आया हुआ है जो कि यहाँ पर रहते हैं पटना में मिले। अच्छा ये बताइए भाई, YouTube से आप कितना पैसा कमा लेते होंगे? यार वो तो वही यार, थोड़ा तो बता दीजिए, हिंट्स दे दीजिए, वो मुझे पता है प्राइवेसी है। घर चल जाता है भाई, घर चल जाता है, घर वाले खुश है, और क्या, घर वाले खुश है। हाँ, घर वाले से सपोर्ट आपको मिलता है? बहुत। तो मिलने लगा मेरी दादी बोलती कब जा रहा है डांस करने, मतलब मेरी आमा है ना, हाँ। तो आमा बोलती है कि आज नहीं का डांस करने, कब जा रहा है? उससे पहले क्या होता था, आमा को ऐसा होता था कि यार मोहल्ले वाले बोलते थे कि तुम्हारा लड़का ऐसा कर रहा है, नाच रहा है रोड में, नचा नहीं है। मैं करूँगा लास्ट तक करूँगा भाई, ये तो मेरे पापा भी बोलने वाले बोले, मैं घर वालों की नहीं सुनी, और जब मैंने कुछ करा तो उनको भी हुआ कि हाँ कर सकता भाई लौंडा कुछ। हम बताएं स्टार्टिंग में सबको प्रॉब्लम होता है, फैमिली बहुत ऐसे करते हैं, पहले से कुछ बड़ा मत बोलो कि मैं ये कर दूंगा, करके दिखाओ फिर जाके बोलो कि मैंने कर दिया, मतलब पहले मत बोलो कि मैं ये कर सकता हूँ, कर दो साइलेंट, मतलब जितना सुनसानी से करोगे ना उतना जो कामयाबी होगी शोर मचाएगी तुम्हारी, ठीक है? तो सुनसानी से काम करो, चुपचाप ऐसा करोगे मतलब लोग बोलेंगे भाई क्या कर दिया इसने लास्ट में, ये करना है भाई लास्ट, ठीक है? जो कुछ भी हो, यूट्यूब नहीं चाहे कुछ भी करियर हो, ऐसा कुछ करते हो और यूनिक करो कुछ, जो सबने कर दिया वो नहीं करना है, जो किसी ने नहीं करा वो करना है। तब बहुत सारे आपका फैन है जो आप जैसे बनना चाहते हैं। बिल्कुल यार, मैं तो मानता हूँ भाई, सब बनो भाई, मैं तो सब पागल हो जाओ भाई रोड में, सभी पागल हो जाओ, सब खुश करो भाई, रुनाना सबका काम है, खुश करते हैं हम ही लोग हैं, आप जैसे लोग, हम लोग खुश करते हैं लोगों को, तो वो खुश करने वाला आपका मैं, जहाँ रोड दिखती है, जहाँ जो दिखता है ना वहाँ हंसा दो लोगों को, मतलब खुश कर दो ये। और लास्ट में क्या बोलना चाहते हैं? लास्ट में बोलेंगे लव यू ऑल, पंकु आर्मी जिंदाबाद।